पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगी है। रोजाना 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने के लिए तैयार नहीं है। दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैला है। सब्जी खरीदने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई लोग मास्क पहने तो दिखे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। लॉकडाउन का दादर की सब्जी मंडी में कितना पालन हो रहा है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखिए। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब पुलिस ने जो है लोगों को हटाने की शुरुआत की है। आप देखिए पुलिस के तमाम जवान हैं इस मंडी में तैनात है, लेकिन फिर भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये भीड़ हर दिन की है, हर दिन जो है इसी तरह से लोग भीड़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता है, मास्क जो है लोगों के चेहरे पर बहुत कम नजर आते हैं। तो ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं, बीएमसी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। ये मार्केट जो है वो बीएमसी ही लगाती है, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं उसके बावजूद बीएमसी ने इस मार्केट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते यहाँ पर जो हालात बने हैं आप देखिए कि पैर रखने तक की भी जगह यहाँ बस्ती नहीं है। बावजूद इसके बीएमसी तो सोई है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। और जबकि कभी न्यूज 18 का कैमरा जब इस मार्केट में पहुंचा तो पुलिस ने यहां पर लोगों को अब खाली कराना शुरू किया है। देखिए पुलिस की टीम यहां पहुंची है, यही कार्रवाई अगर पहले कर ली जाती तो शायद इस तरह के हालात हर दिन सामने नहीं आते। दिवाकर, बड़ी लापरवाही है, चाहे फिर वो बीएमसी की हो या फिर लोगों की हो। देखिये जसप्रीत, दो चीजें समझने की यहाँ जरूरत है। महाराष्ट्र में हालात यहाँ बने क्यों, मुंबई में हालात बने क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और प्रशासन ने जो नियम बनाए उसका सख्ती से पालन नहीं कराया। ये दो अहम चीजें हैं। तीसरी चीज जो है, जो आपने तस्वीर देखी, जो पुलिस के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि जो बीएमसी के लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी दो एजेंसियों के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं है, जिसके चलते लोग जो है धड़ल्ले से कोविड नियमों की धज्जियां उस दादर की सब्जी मंडी में उड़ा रहे हैं। दूसरी अहम चीज यह है कि महाराष्ट्र में केसेज बढ़ रहे हैं, और एक अहम चीज यह कि वैक्सीनेशन का जो दौर है वो एक बार फिर से रुक गया है, क्योंकि यहां पर जहां मैं मौजूद हूं ये बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर मुंबई का है, लेकिन यहां पर वैक्सीन ना होने के चलते आज वैक्सीनेशन रुक गया है और कब यहां शुरू होगा कोई जानकारी नहीं है। यहां पर एक लिस्ट लगा दी गई है, जो लोग यहां पहुंच रहे थे कि उनको आज वैक्सीन लग जाएगी, यहां पर जब पता चला कि यहां वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो जहां पर ये जो लिस्ट लगाई गई है गजप्रीत, ये लिस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि जहां पर आज वैक्सीनेशन चालू है, कुल 37 केंद्र हैं इस पे, तो यहां पर वैक्सीनेशन चालू है लेकिन वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो सेकेंड डोज लेने पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहम चीज की बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई थी और कहीं ना कहीं लोग हंगामा कर रहे थे कि उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी जाती है कि आपकी वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद क्यों है, वैक्सीन क्यों नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो सबसे अहम चीज महाराष्ट्र के लिए खतरे की बात यह है कि 67,000 से ज्यादा केसेज पिछले 4 दिनों से सामने आ रहे हैं। मुंबई में केसेज की कमी जरूर हुई है लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 676 मौतें 2021 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपके पास अपडेट के लिए, आप नजर बनाए रखिए। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 1200 रुपए प्रति डोज मिलेगी। इससे पहले कोविशील्ड के दामों का भी ऐलान हो चुका है, तो अब दामों का ऐलान किया गया है कोवैक्सीन के 1200 रुपए ये प्रति डोज निजी अस्पतालों को मिलेगी। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी। आनंद, पहले कहे जा रहे थे कि दाम अलग अलग है, अब तो सरकार ने जो है ऐलान कर दिया है कि ये फिक्स दाम है। जी देखिए, बिल्कुल सरकार ने तय कर दिया कि फिक्स दाम है और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उनमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट हैं भारत सरकार के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि जिन्होंने कोविड के दोनों डोज ले लिए हैं, दोनों इंजेक्शन लगा लिए हैं, उनको कोरोना बहुत कम हुआ है, उनको कोरोना में के सिम्टम काफी कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से जो दाम है वो सरकार ने फिक्स कर दिए हैं, और वैसे भी प्रधानमंत्री ने लगातार कई मंच से बोला है कि 1 तारीख से 1 मई से आने वाली 1 मई से
जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं देश भर में उन्हें अब वैक्सीनेशन जो है वो दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इस बार जो कोरोना की लहर आई है उसमें दिल्ली सरकार ने भी दावा किया था कि 65% ऐसे केस आए हैं जिसमें जो युवा हैं 40 साल या उससे कम के वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 18 साल से ऊपर के जब युवाओं को वैक्सीनेशन दी जाएगी या दूसरे वर्ग के लोगों को तो उससे काफी मदद होगी और एक तरीके से जो कोरोना में जो मौत का आंकड़ा है कम से कम उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हैं उनका ये दावा है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम लाइफ थ्रेट है वो नहीं रहेगी। कोविड के सिम्टम जरूर आ सकते हैं, कुछ लोग बीमार हुए हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। दिल्ली पुलिस में भी आंकड़ा काफी ज्यादा था जिन्होंने कोविड के दोनों डोज लगवाए उसके बावजूद भी 1500 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमण में इस वक्त हैं जो अलग अलग आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आनंद आपके पास। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई की कोरोना से निधन हो गया। सांसद कौशल किशोर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। जानकारी के मुताबिक उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद की हालत बिगड़ गई थी और वेंटिलेटर के सहारे उनका इलाज चल रहा था। तो सांसद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, उनके भाई का निधन हुआ है कोरोना की वजह से। लखनऊ से मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर, जिनके बड़े भाई का कोरोना से निधन हो गया। सांसद कौशल किशोर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद को कोरोना महामारी ने ली लिया। ये कौशल किशोर ने ट्वीट किया है। तो कोरोना ने उनकी जिंदगी को छीन लिया। लखनऊ से सांसद हैं जिनके बड़े भाई का कोरोना की वजह से निधन हुआ है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी का दावा करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि घर में आइसोलेट लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज फोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए।